नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल संदेश। मैं हूं शिव कुमार चौधरी। आज हम दुबोलिया विकास खंड के अंतर्गत भिवरा में मौजूद हैं, जहां पर भारतीय किसान यूनियन द्वारा जन जागरण अभियान के तहत यह बैठक आयोजित की गई है। इसमें बड़ी संख्या में किसान और भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी मौजूद हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि भारतीय किसान यूनियन किन मुद्दों को लेकर के जन जागरण अभियान के तहत चौपाल लगा रही है और अपने बातों को बुलंद कर रही है, किसानों को जोड़ने का काम कर रही है। अध्यक्ष जी, क्या नाम है आपका? हृदय राम वर्मा। वर्मा जी, आप किन मुद्दों को लेकर आज किसानों के बीच में आए हैं, जागरण लगा रहे हैं? हम लोग जो है अनवरत जन जागरण की पंचायत लगा करके संगठन के रीति और नीति और उद्देश्यों का जो है जानकारी अपने किसान साथियों को देते रहते हैं जी। और इस समय अहम मुद्दा है कि जिससे शहीद किसान स्थल जो हमारा मुंडेरवा है जी, जो हमारी धरोहर है पूर्वांचल की, जो राष्ट्रीय स्तर पे हमारी पहचान है जी, वहाँ प्रति वर्ष किसान शहीद स्थली सुगर मिल मुंडेरवा के प्रांगण में हमारा दो दिवसीय शहीद किसान मेले का आयोजन होता है। प्रतिवर्ष हर साल की बात इस वर्ष भी मनाया जाएगा 10 और 11 दिसंबर को। 10 दिसंबर को रात्रिकालीन सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं जी, जिससे किसान की समस्याओं से संबंधित वो संगीत का कार्यक्रम अयोध्या फैजाबाद की मंडली आती है, श्री राम जी जिला अध्यक्ष है हमारे संगठन के, उनके माध्यम से किसानों की दिशा और दशा पर जो भी समस्याएं सरकार द्वारा या उत्पीड़न हो रहा है उससे संबंधित सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होता है, जो पूरी रात चलता रहता है जी। और दूसरे दिन 11 दिसंबर को हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय कमेटी और प्रदेश कमेटी के तमाम प्रदेशों से लोग आते हैं उस मेले के आयोजन में, इसका स्वागत सम्मान और लोग अपने अपने विचार अपने अपने रूप में परोसने का काम करते हैं जी। तो और उसी उद्देश्य को लेकर के इस समय हम लोग, चूंकि 10 दिसंबर 11 दिसंबर नजदीक है, मात्र एक महीने का समय है, तो हम लोग जन जागरण के माध्यम से किसानों की समस्याओं उसके समाधान और इस शहीद किसान मेले की जो पहचान हमारी राष्ट्रीय स्तर पे है मुंडेरवा शहीद किसान मेला, उसके लिए हम लोग अनवरत दिन रात नुक्कड़ सभा कर रहे हैं, जन जागरण कर रहे हैं, मुद्दे की पंचायत कर रहे हैं और हमारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जी। हम लोगों से बात करेंगे, ब्लॉक अध्यक्ष नीलनाथ चौधरी जी, मुद्दे क्या है किसानों के? हमारे भारतीय किसान यूनियन द्वारा किसानों का जो मुद्दा है जी, धान खरीद का, उसके MSP का, गेहूं का, गन्ना का और तमाम हमारे सामने पशु का समस्या है, ये भी किसान का अहम मुद्दा है। पशुओं द्वारा किसानों का फसल बर्बाद होता है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम लोग हर ब्लॉक में ये जन जागरण की पंचायत लगा करके किसानों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं जी। जिससे किसान जागरूक होगा तो अपने मुद्दों अपने कामों के लिए वो लड़ाई लड़ेगा। यही सब आपका क्या नाम है? हमारा प्रसाद नाम है। एक सवाल हमारा ये है कि आप लोगों का जो मेला लगेगा वहाँ मुंडेरवा में जी, इसके लिए हर किसानों को सूचनाएं कैसे दे रहे हैं आप लोग? इसके लिए सब सूचना जो है हम लोग जो गांव गांव में पंचायत भी लगा रहे हैं, ये इसी सूचना देते हैं, जिम्मेदारी भी दे रहे हैं ब्लॉक जी 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 सबको, हर ब्लॉक के अध्यक्षों को ये जिम्मेदारी दिया जा रहा है कि गाँव अपने जो क्षेत्र में जगह जगह पर मीटिंग लगाकर लोगों को बताने काम करिए और जो किसानों की समस्याएं हैं उसको लेकर हमें तहसील ब्लॉक पर लड़ाई लड़ने की जरूरत है जी। और क्योंकि हमारी दवाई भाई कहावत है जो बीमार हो जी, उसी दवाई खाएगा तो ठीक होगा जी। अब बीमार हम हो, दवाई आप खाएंगे तो ठीक तो होगा नहीं जी। तो सबकी समस्याएं, हर किसानों की समस्याएं हैं, सभी को जगाया जा रहा, बताया जा रहा, भैया सब लोग दूसरे की भरोसा छोड़िए, अपने बलबूते अपनी लड़ाई अपने हक के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने का काम करें। और 11 दिसंबर को सभी किसान का निवेदन किया जा रहा है, सब लोग अपना जो है मेला
किसान शहीद को सब लोग देखने आएंगे, पहुंचेंगे, जो भी आपका सहयोग होगा आप लोग सहयोग भी करेंगे, क्योंकि वहाँ भाई राज्य से लेकर प्रदेश के लोग सभी लोग आते हैं, तो सभी को इसलिए बताया जा रहा है, सबको जगाया जा रहा है कि आपका हित कोई नहीं है, सबको आपको लड़ाई लड़ना है, इसलिए संगठन को मजबूत करें अगर अपना अधिकार चाहते हैं तो। आपका क्या नाम है? हर्षनाथ गुप्ता। कितने लोग हिस्सा लेंगे इसमें? करीब करीब समझ लीजिए कि 50,000 किसान तो पहुँचेंगे। इसके लिए आप लोगों ने रणनीति बना ली है? हाँ, हर ब्लॉकों में आप लोग की बैठक हो रही है जी, लोगों को तैयारी करने की जिम्मेदारियां दी जा रही है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अभिलाष चंद श्रीवास्तव है। जी। मैं तहसील अध्यक्ष रैया जी। भाई हमारे पास 6 ब्लॉक हैं जी, तो हमको हर अपने ब्लॉकों में जन जागरण के माध्यम से ब्लॉक अध्यक्षों को तैयार करना है कि वहाँ की व्यवस्था कैसे होगी, कैसे किया जाएगा, क्योंकि हमारे जो बाहर के लोग आएंगे हमारे अतिथि होंगे जी, तो उनके स्वागत और उनकी व्यवस्था के लिए हम अपने ब्लॉक अध्यक्षों को तैयार कर रहे हैं कि अपने ब्लॉक अपने गाँव में जो आपका गांव पड़ेगा इन ब्लॉकों में आप अपने गांव के लोगों को अपने क्षेत्र के लोगों को तैयार करके ले चलिए, व्यवस्था बनाई जाए और व्यवस्था किया जाए, उसी में तब हम लोग उनकी व्यवस्था कर पाएंगे, अन्यथा एक आदमी थोड़ा कर पाएगा, जिला अध्यक्ष हमारे थोड़ा कर पाएंगे। जब हमारे 4 तहसीलें हैं, जब चारों तहसील के लोग लगेंगे और अगल बगल के जिले लगेंगे तब व्यवस्था बन पाएगी, तो इसलिए हम लोग अब इसका अभियान छेड़े हैं कि एक ही महीने का टाइम है जी। इसलिए हम इस और इसी बीच में तमाम समस्याएं हमारे किसानों की है जी। जैसे आज अब किसान की बुआई आ गई है, डाई आपके क्षेत्र से नदारद रहेगी, यूरिया नदारद रहेगा, उस पर दाम भी बढ़ा हुआ है और सरकार कहती है कि हम दाम कम में दे रहे हैं जी। तो इसी सब समस्याओं को लेकर के आपका ये टेलीकॉम है जो दूर संचार की व्यवस्था है जी, वो बहुत लचर पचर है जी। हमारे किसानों का, हमारे जनता का शोषण हो रहा है कि एक एक घर में कम से कम 10-10 मोबाइल है, 8-8 मोबाइल है जी। और एक महीने में कम से कम 200 करोड़ रुपया जा रहा है, और चाहे मोबाइल चले और चाहे मोबाइल ना चले, बात हो चाहे ना बात हो, लेकिन ठगा जाएगा क्योंकि उनकी नेटवर्क व्यवस्था नहीं है। इसके लिए हमारा सांसद, हमारा विधायक कोई आवाज नहीं उठा रहा है। इस पर हमको बड़ा दर्द है कि हमारी मोबाइल नहीं चल रही है, पैसा हमारा पर डे जा रहा है और महीने 30 दिन का महीना 30 का हर चीज का, लेकिन मोबाइल का आज 4-6 साल से 28 का, 27 का हो गया, 24 का हो गया। इसके लिए बहुत बड़ी लड़ाई हमको लड़नी पड़ेगी क्योंकि हमारा किसान, हमारा समूह ठगा जा रहा है, चाहे वो कर्मचारी वर्ग हो, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, सारे लोग ठगे जा रहे हैं और सरकार दुकान खुलवा करके कुछ चंद लोगों को और ठगने का काम करवा रही है, तो इससे बड़ा हमारे देश का शोषण कैसे होगा, कौन करेगा? तो इन्हीं सब समस्याओं को लेकर के हम लोग मीटिंग लगा रहे हैं और तमाम समस्याएं हैं। खेती को आज तक मनरेगा से नहीं जोड़ा जा रहा है और मनरेगा के मजदूरों को कहा जाता है कि काम हम देंगे, लेकिन उनको काम भी नहीं मिल पाता है। दूसरी चीजें हैं कि आज हमारा नौजवान जो है गांव पलायन करके जा रहा है मजदूरी के लिए केवल। अगर नरेगा को खेती से जोड़ दिया जाए तो हमारा नरेगा का मजदूर गाँव से बाहर नहीं जाएगा, उसको प्रतिदिन रोजगार मिलता रहेगा, क्योंकि प्रधान से किसी को आवश्यकता होगी तो बोल करके 2 मजदूर 3 मजदूर जैसी जिसकी आवश्यकता होगी उसको मिलता रहेगा। और जब सरकार भत्ता देती है, जब काम नहीं देती है तो हम कहते हैं भत्ता देने की जरूरत नहीं है, उसको रोजगार दो, 365 दिन का रोजगार दो और 365 दिन वो काम करेगा, लेकिन खेती से उसको जोड़ दो, 60-40 का रेशियो कर दो कि 60% सरकार दे दे, 40% किसान दे दे, किसान भी खुश होगा, सरकार भी खुश रहेगी, लेकिन ऐसा काम नहीं कर रही है। इसीलिए हम सब चीज इन चीजों को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। गन्ने का दाम है, गेहूं का दाम है, जो हम लागत लगा रहे हैं उससे हमको कम पर मिला खरीदा जा रहा है। आज हमारे गन्ने का दाम जो है 30 पैसा है, 35 पैसा है, और चीनी का दाम 45 रुपया है, जब हम जो पैदा करते हैं उसका दाम कम है और जो कंपनियां पैदा करती हैं उसका दाम ज्यादा है, लेकिन उनको पावर है कि वो अपना MSP और सारा नहीं, उसमें उनको पावर है कि अपना वो रेट लगाते हैं, और हमको पावर नहीं है कि हम जो प्रोडक्शन करते हैं धान गेहूं गन्ना चना आलू मटर उसका रेट हम नहीं लगा सकते हैं, लखनऊ दिल्ली से लगाया जाता है। तो ये कृषि कानून लगा करके और हमारा अधिकार दिया जाए कि हम लोग भी इसको रेट निर्धारित करने का पावर हो, तभी हमारी लागत मूल्य मिल सकती है, नहीं तो ये 36 इंच और 56 इंच का सीना ठोकने से नहीं होगा कि हम आपका आज दुगना 50% जोड़ करके कर देंगे। कहां से कर देंगे, कहां हुआ आज तक? 9 साल की सरकार तो बीत गई लेकिन हुआ कहीं, केवल कहा जा रहा है जी। तो बहुत बड़ा दुख दर्द है, हम लोग इसी समस्याओं को लेकर के अपने किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी हमारे लोग लड़ रहे हैं, हमारे टिकैत जी नरेश जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रवक्ता हैं वो लोग भाई तो लड़ी रहे हैं, उन्हीं के साथ हम लोग कंधा से कंधा मिला के लड़ने काम करेंगे, जब तक कि शरीर में सांस है दम है तब तक किसानों की अनवरत लड़ाई लड़ते रहेंगे।
देखिए आप लोगों ने देखा कि लड़ाई इन लोगों की जारी है, लेकिन मुंडेरवा मेले को ऐतिहासिक बनाने के लिए भारतीय किसान यूनियन कमर कर चुका है और इसको में बड़ी संख्या में किसान प्रतिभाग करेंगे। इसको लेके इनकी जन जागरण चौपाल के तहत कार्यक्रम किया जा रहा है। इनके जिलाध्यक्ष लगातार हर ब्लॉकों में पहुंच करके किसानों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद।